हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। चलिए, आज सुबह ही एक व्लॉग मैंने डाला है, तो आप लोगों ने देखा था वो व्लॉग। भूतनाथ मंदिर के वहाँ गई थी, चाय पिए, लिट्टी चोखा वगैरह खाए और फिर घर की ओर आ रहे थे, तो मूड ठीक था नहीं तो मैंने व्लॉग वहीं अधूरा छोड़ दिया था। तो उसी व्लॉग का कंटिन्यूएशन फिर आज दिखा रही हूँ आप लोगों को। वहीं चाय की दुकान से ही आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चाय वगैरह पिया और इसके बाद ये जो एक मीठी सी मिठाई होती है, इसका नाम मुझे पता नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा इस मिठाई को क्या कहते हैं। तो ये मिठाई मिल रही थी और काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे खाने की ज़िद कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इन बच्चों को खुश किया जाए। तो इन बच्चों को ये मिठाई खरीद के दी और सामने जो बच्ची को आप देख रहे हैं वो कह रही थी कि मुझे बिच्छू बना के दीजिए शेप, मतलब ये मिठाई का अलग अलग शेप होता है। तो वही जो भैया हैं वो बिच्छू का शेप बना रहे हैं। चलिए आप लोगों को फाइनल जब बिच्छू बन जाएगा वो भी दिखाऊंगी। तो बच्चे सारे खुश हो गए इनकी चेहरों पर मुस्कान देख के, मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी खुश थी। और इसके बाद भूतनाथ मंदिर में आरती होनी शुरू हो गई थी, तो वही आरती का मैंने बाहर से दर्शन किया क्योंकि एक बार तो अंदर जाके दर्शन हो ही गया था। तो इसके बाद भूतनाथ बाबा के दर्शन बाहर से ही करते हुए, तारा माँ के दर्शन करते हुए वापस आने लगी घर की ओर, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में टेलर वगैरह के पास भी जाना था, काफ़ी कुछ और आदि का कॉल आया था, तो चॉकलेट बिस्किट सब कुछ लाने के लिए बोला था। तो यही सब कुछ काम करने के लिए निकल गई और वही सब कुछ आगे आप लोग ब्लॉग में देखेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में आखिर तक, होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। व्लॉग जो है जल्दी ख़त्म कर दिए थे, तो ख़त्म करने के बाद भी ना घर नहीं गए थे, बैठे थे वहीं। और अभी आए हैं, आने के बाद टेलर से कपड़ा वगैरह लिए, मम्मी का था मेरा था, इसके बाद जा रहे हैं गंगूराम में दही लेंगे। फिर दही लेने के बाद आदि का भी फ़ोन आया, थोड़ा चिप्स बिस्किट चॉकलेट ये सब के लिए वो सब लेंगे और फिर जाएंगे धन्वंतरी में पापा का दवा जो लेना है टेस्ट करवा के, जो रिपोर्ट दिखाए थे आज ही, तो वो दवा सब लेना है। आ गए गंगूराम, मिठाई ले लेते हैं पहले। ले लिए मिठाई भी, हाथ में टेलर का कपड़ा सब, मिठाई तो हाथ में ना बहुत भारी हो गया है अब बस। तो ओहो चॉकलेट लेना भूल गया। अच्छा आगे भी दुकान है यहाँ गंगूराम के पास की, हाँ दुकान ले ली होते भूल गए, चॉकलेट और बिस्किट वगैरह बोला है अभी। चलिए धन्वंतरी के पास भी है दुकान, वहाँ से ले लेंगे चॉकलेट, अब बस दवा लेके घर जाएंगे। अच्छा भी नहीं लग रहा है, सोचे कि कल का व्लॉग पिछला व्लॉग अधूरा ही छोड़ दिए थे ना, मूड ठीक नहीं था। मूड तो खैर अभी भी ठीक नहीं है, बहुत देर बैठे थे फिर वो व्लॉग ख़त्म करके, तो सोचे एक और बना लेते हैं व्लॉग, इसीलिए शुरू किए व्लॉग को। घर के पास ही हूँ गंगूराम, पीछे वाला गंगूराम में आए थे, यहाँ पे अच्छा दही मिलता है, मतलब सफ़ेद दही मम्मी पापा के लिए। तो बाकी लोग दिखाते हैं ले लिए 600, अब जा रहे हैं धन्वंतरी दवा लेंगे। वहाँ पे मेरा बना हुआ है ना कार्ड, तो थोड़ा डिस्काउंट में मिलेगा, कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है, कार्ड बना रहता है जिसका भी, तो मेरा नाम से बना हुआ है। बीच में जब मैं बीमार हुई थी ना बहुत, तब बनवाई थी क्योंकि इतना सारा दवा मुझे खाना पड़ता था। यही बाज़ार का मानिकल्ला बाज़ार के गली से अब जाएंगे, चॉकलेट ले लेंगे आदि का और दवा लेके घर चले जाएंगे। छोटा ही ब्लॉग आज का भी रहेगा, डाल दे रहे हैं छोटा सा एक एक्स्ट्रा के लिए। चलिए पहुँचे बाजार के गली में, एंटर कर लिए हैं। और क्या ही बोलेंगे, अच्छा नहीं लग रहा मूड। पापा को दवाई खिलाना है, वो तो खैर खिला ही दूंगी समझा बुझा के, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है कि वो टेंशन लेंगे कि इतना सारा दवाई उनको खाना पड़ रहा है,
तो एक अलग ही टेंशन होगा कि मतलब अंदर से तबीयत बिगड़ रहा है उनका, एज भी हो रहा है ना, यही सब थोड़ा सोच सोच के ख़राब लगता है। मैं चाहती हूँ मम्मी पापा लोग बस ठीक रहें। मम्मी पापा और आदि ये लोग ठीक रहे तो बस मैं ठीक हूँ सब ठीक रहने से। चलिए बकर बकर करते रहती हूँ फालतू का ब्लॉग लंबा हो रहा है। चाय दवा वगैरह खरीदे फिर घर जाए, ब्लॉग ख़त्म कर देंगे इसके बाद। फ्रेंड्स अब दवाई की दुकान में हूँ, दवाई वगैरह लिए, फिर आदि के लिए बिस्किट्स लिए, चॉकलेट लिए, सब कुछ लेने के बाद फिर घर की ओर जाने लगे। बैग भी बहुत भारी हो गया था। फ्रेंड्स सामान सब ले लिए और घर जा रहे हैं। हाथ में सामान ज़्यादा हो गया तो एकदम नहीं हो रहा है, एक हाथ में फ़ोन पकड़ना, मतलब फ़ोन रख देंगे तो दो हाथ में आधा आधा ले लेंगे, बहुत भारी लग रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज यहीं तक, बाय बाय।